नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ वो खास श्रृंखला लेकर के जिसका नाम है भगत सिंह की 51 कहानियां अनकही अनसुनी। आज की कहानी में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे जिंदा दिल लोग थे भगत सिंह और उनके साथी, और इसी जिंदा दिली में पानी पर चढ़ा करके ऐसी नौबत आ गई एक दिन कि बटुकेश्वर दत्त का हाथ मुड़क गया, मोच आ गया जिसको कहते हैं और हम लोग बोलचाल में कहते हैं मुड़क गया। अगर ये सीरीज की कहानियां आपको पसंद आ रही हैं तो इन्हें अपने साथियों तक शेयर करें, उन्हें बताएं, सोशल मीडिया पर आप शेयर कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई आपके पास सुझाव है, शिकायत है, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दें, तो इससे ये होगा कि जैसे ही कोई कहानी हम लोग सुनाएंगे, जैसे ही कोई नई जानकारी दी जाएगी, कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा, आपके पास तुरंत उसकी सूचना चली जाएगी। चलिए आते हैं कहानी पर। कहानी यह है कि ग्वालियर में भगवान दास महौर वहीं पढ़ते थे और चंद्रशेखर आजाद ने कहा, उन्हें सूचना भेजी कि कुछ और साथी, दल के कुछ और साथी वहां रहेंगे ग्वालियर में, कुछ काम है, तो ऐसा करो कि हॉस्टल छोड़ करके और एक मकान किराए पर ले लो और उस मकान में रहो, वहीं पर सब लोग रहेंगे। चूंकि स्टूडेंट थे ग्वालियर कॉलेज के, तो वो रहते थे भगवान दास महौर हॉस्टल में ही। तो अलग ग्वालियर में एक जगह है नाका चंद्र बदनी, वहां पर एक मकान ले लिया गया और उसी में ये लोग रहने लगे। सब आते थे, गप सप करते थे, सभी लगभग वो एक ही उम्र के थे, आगे पीछे 2 साल, 4 साल, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, इस तरह से छोटे बड़े थे और सभी युवा थे बिल्कुल। तो उस तरह की बातें भी नोक झोंक चलते रहती थी, हंसी मजाक एक दूसरे से चलते रहता था। तो इसी में एक दिन ये हुआ, छत पर सब लोग बैठे हुए थे और छत जो करीब थी 8-10 फीट ऊंची थी, तो उसमें उन लोगों में आपस में बातचीत होने लगी, अच्छा छत पर से कूद सकते हो कि नहीं। तो सब में ये हो गया कि ठीक है, कूद करके दिखाते हैं कि कौन कूद सकता है, कौन नहीं कूद सकता है। भगत सिंह और सुखदेव आसानी से छत पर से नीचे कूद गए, रह गए बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त देखा और फिर कहा कि ना ना, बहुत ऊंचा है, हम ना कूदेंगे, चोट लग जाएगा। वो इनकार करने लगे, ये लोग नीचे से पूरा चढ़ाए जा रहे हैं कि क्या तुम तो डरपोक हो, तुम कूद नहीं सकते हो, तुम्हारे पास तुम्हें भय है, ये है वो है। और बटुकेश्वर दत्त बोले कि ना ना, हमको नहीं कूदना है, ठीक है। इन लोगों ने यहां तक फिर कहना शुरू कर दिया, जो नीचे कूद गए थे भगत सिंह और ये सुखदेव, कि अच्छा तुम बताओ कि एक्शन करोगे और कभी इस तरह से पुलिस से बचने की नौबत आएगी या कहीं इस तरह की जरूरत पड़ जाएगी, तो तुम तो पहले कभी कूदे नहीं हो, तो तुम तो कूद नहीं पाओगे, कूदोगे तो कम से कम अभ्यास हो जाएगा, कुछ प्रैक्टिस हुआ रहेगा छत पर से कूदने का। इस तरह से काफी जब उन्हें चढ़ाया गया तो आ गए बटुकेश्वर दत्त भी उनके झांसे में और छत पर से कूदने के लिए तैयार हो गए। छत के किनारे वो छज्जा थोड़ा सा बना हुआ था और उसके ऊपर से उछल करके कूदना होता था। जब ये कूदने के लिए दौड़ते हुए आए कूदने के लिए बटुकेश्वर दत्त, तो इनका पैर लग गया छज्जा से, और छज्जा का पत्थर वो पुराना था या पैर के झोंक से वो पत्थर टूट गया। परिणाम ये हुआ कि जो कूद रहे थे वो कूदने के बजाय गिर गए छत से, और गिर गए तो इनका हाथ मुड़क गया, बहुत स्थिति खराब हो गई। डॉक्टर के पास क्रांतिकारी थे, सब जगह अपनी पहचान नहीं दिखा सकते थे, सब जगह जा नहीं सकते थे। बहरहाल उन्हें एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और बता दिया गया कि वहीं के एक प्रोफेसर के रिश्तेदार हैं। हॉस्पिटल में बटुकेश्वर दत्त भर्ती हो गए और बहुत जल्दी ठीक हो गए। देखिए उम्र का क्या असर होता है, बटुकेश्वर दत्त से हलचल लेने जाते थे लोग, तो बटुकेश्वर दत्त कहा करते थे, यार यही बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया नर्स है इस हॉस्पिटल में, हमको यहीं पर अगर और कुछ दिन में ठीक हो तो और बेहतर, और मजा आ जाएगा। इस तरह की हंसी मजाक चलती थी। और चंद्रशेखर आजाद उस समय यहां नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद थे दतिया में। जब उन्हें वहां सूचना मिली कि हाथ में चोट लग गई है बटुकेश्वर दत्त को और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, तो उन्हें चिंता हुई, वो वापस लौटे, पहले पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बताया गया, किसी ने जानकारी दी, पहले उन्होंने सबकी क्लास लगाई और फिर गए बटुकेश्वर दत्त से मिलने, उनको डांटा
कि तुम बच्चों जैसी हरकत करते हो, लोग चढ़ा दिया तुमको पानी पर और तुम पानी पर चढ़ के यार कूद गए। तुम ये बताओ कि गिर गए थे तुम और तुम मर जाते तो कितनी बड़ी आफत हो जाती। तुम बताओ कि यहाँ कहाँ क्या हम लोग करते, किस तरह से हमारा भेद, हर तरह हमारा तो भेद ही खुल जाता, हम लोग पकड़े जा सकते थे। इस तरह से काफी कुछ उन्होंने उनसे डांटा। इस पूरी कहानी को भगवान दास महावर ने अपनी किताब यश की धरोहर में लिखा है। ये एक कहानी थी उस खास सीरीज की जिसका नाम है भगत सिंह की 51 कहानियां अनकही अनसुनी। 2 फरवरी से 23 मार्च यानी भगत सिंह के शहादत दिवस तक ये कहानियां जारी रहेंगी। अगर आपको ये कहानियां पसंद आ रही हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, तो इससे ये होगा कि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको तुरंत इसकी सूचना मिल जाएगी। आप हमें फेसबुक पर भी द फ्रीडम के पेज पर फॉलो कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर आइए द फ्रीडम.न्यूज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।